Mr. Chairman, Jackie. Thank you very much, Mr. Sasidharu. Next street, Tapir Gauji. No, no, no. Oh, please, please, please. No, 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 no. Rajya Sabha, please, please, please. Rajya Sabha proceedings. No, no, no. Rajya Sabha proceedings cannot be quoted here. No, 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 no. No, Rajya Sabha has nothing to do with the Lok Sabha. Please. Honorable Chairman, sir. Yes, please. Yes, you may please. Sir, as 90, no, 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 no. Please, 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 please. 98. No, 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 no. See, you. One second. No, no, no. Honorable. Then you start. Ye 125 saal ek purana British legacy ek ko as postal bill the post office bill 2023 ko main samarthan karne ke liye kara hua hu. Aaj ye Congress no. One second. Yes, Adhir. सर अभी एक खबर मिली है, अभी एक खबर मिली है कि जिस दो शख्स ने ये गैलरी में आई थी वो बीजेपी पार्टी की किसी एमपी, उनका ही पास लेकर ये दोनों सदन में घुसे थे, तो कहाँ सुरक्षा है कि बीजेपी की एमपी खुद? यस, सी ऑल द ऑनरेबल स्पीकर हैज ऑलरेडी नो द ऑनरेबल स्पीकर हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड Already ordered that at 4 p.m. there will be a meeting of the party leaders and this will be discussed there, and after that this will be discussed in the house also. Yes, sir. Yes, please. Sir, ye 125 saal purana British legacy. Abhiranjan ji was also there. At the time when the speaker is making the ruling, you were also there. Ashni ji. इस बिल को लेके आ रहा है और इस बिल के माध्यम से आज कांग्रेस इतना सिल्ला रहा है. कांग्रेस का जमाना में 2004 से लेके 2014 तक ये 664 पोस्टल ऑफिस बंद करवाया गया, लेकिन मोदी जी आने के बाद 2014 टू 2023 5000 नया पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया और इसी साल 5746 पोस्टल और देश भर में खुलने जा रहा है और खुल रहा है. इसलिए इस पोस्टल के माध्यम से हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका में और गांव में सारा पोस्टल का सुविधा मिल रहा है, और ड्यूरिंग कोविड में भी पोस्टल का इतना सुविधा उपयुक्त पब्लिक ने मिला है, और इसको मोदी साहब ने और अश्विनी साहब ने इस चीज को आगे ले जा रहा है. आज पोस्ट ऑफिस में हिंदुस्तान में 28 करोड़ अकाउंट खुला गया और इसमें 17 लाख करोड़ डिपॉजिट भी किया हुआ है पैसा, और इसका माध्यम से सुकन्या समृद्धि में 3 करोड़ अकाउंट भी खुला है, और साथ में 1,41,000 करोड़ डिपॉजिट देश भर में हो रहा है, और साथ में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के ओर से 21 लाख का अभी सेविंग सर्टिफिकेट हुआ है. साथ में ये पोस्टल ऑफिस जो है, ये पोस्टल सर्विस जो है, सिटीजन सेंट्रिक एक सर्विस है, और हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साहब बोल रहा था अगर नया कानून लाता है तो देश का अच्छाई के लिए, सर्विस का अच्छाई के लिए ही लाता है, तो इसलिए आप हर चीज को कांग्रेस इसका विरोधी में आप निकल जाता है, पब्लिक सेवा को आप लोग भूल जाता है. साथ में यहाँ पोस्टल ऑफिस में तो ये पासपोर्ट सेविंग
सात सेवा केंद्रों बना दिया। आज इस पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आज तक 438 सेंटर्स देश भर में खुला है, जिसमें 1,25,00,000 एप्लीकेंट को सुविधा मिला है। साथ में मैं अदर एनरोलमेंट में भी 13,500 सेंटर देश भर में खुला है इस पोस्टल माध्यम के तरफ से, और इसमें 1,83,000 कस्टमर को इसका ट्रांजेक्शन होने का सुविधा मिला है। और साथ में मोदी जी का नेतृत्व में आज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आज एक कांग्रेस का समय में कांग्रेस का रूल में ये एक इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर टू बी क्लोज इन द कंट्री, लेकिन मोदी जी ने जैसे इस चीज को बैंक पोस्टल सर्विस को आगे बढ़ाया, 650 ब्रांचेस विथ 1,54,000 अकाउंट पॉइंट हब ऑफिस में खुला है, और साथ में इसमें इफ यू गो बैक टू द सीट्स आई विल 8 करोड़ इफ यू गो बैक टू द सीट्स आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी और इसमें 8,000 करोड़ डिपॉजिट हुआ है। साथ में डीबीटी 3.5 करोड़ अकाउंट खुला है। तो ये एक पब्लिक को, हमारा देशवासियों को, जो गांव और दूर दराज हिमालय में बसे लोगों को भी इस पोस्टल सर्विस से बहुत लोगों को सुविधा मिल रहा है। इसलिए इस कानून को मैं समर्थन करता हूं, और ये कांग्रेस वासियों को भी, ओपोनेंट लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये पब्लिक सेवा के लिए ये कानून अमेंड करने के लिए 125 साल के बाद आया है, तो इसलिए हम सब मिलकर इस बिल को पास करना है, ताकि गरीब जनता को और गरीबों को देश भर में सुविधा मिले और इसका सेवा मिले। इसलिए मैं इस चीज को समर्थन करता हूं, और साथ ही इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गांव दूर दराज इलाकों में जो बसे हैं, इसके लिए भी इसका सुविधा होने के लिए नेशनलाइज बैंक दूर दराज इलाका में सर्विस दे नहीं पाता है, इसलिए ये इस पोस्टल सर्विस से हिमालयन बेल्ट में दूर दराज गांव में इस पोस्टल सर्विस का अकाउंट खुले, सेंटर खुले, ताकि हमारा गरीब जनता इसका उपयोग मिले और देश भर में इसको फैला देना चाहिए, ताकि हम गरीब जनता इसका सहायता मिलेंगे और उपयुक्त यूज करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। नेक्स्ट श्रीमती के कनीमोड़ी। कनीमोड़ी जी स्पीकर साहब। एक मिनट, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण प्लीज। माननीय सदस्यगण, मैंने आप सबकी भावनाओं को पहले अव्यक्त कर दिया है, और 4 बजे इस विषय पर सब दलों की मीटिंग बुलाई है। 4 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है।